ओके तो चलो पार्ट टू में फर्स्ट ऑफ ऑल हम लेंगे एक प्रिपरेशन दैट इज फ्रॉम सी डबल बॉन्ड ओ व्हेन इट इज रिएक्टेड विथ एनी ग्रिगनार्ड रिएजेंट आर एम जी एक्स. सो इन फर्स्ट स्टेप हियर दिस बॉन्ड इज ब्रोकन, एम जी एक्स विल बी पॉजिटिव, आर विल बी नेगेटिव. हियर दिस बॉन्ड इज ब्रोकन, कार्बन इज पॉजिटिव, ऑक्सीजन इज नेगेटिव. एंड देन विथ कार्बन आर इज अटैच्ड एंड विथ ऑक्सीजन एम जी एक्स इज अटैच्ड. एंड वेन इट इज हाइड्रोलाइज्ड देन वी आर गेटिंग ओ एच एंड एज अ साइड प्रोडक्ट एम जी ओ एच एक्स. ओके सो दिस इज द बेसिक रिएक्शन. नाउ फॉर कीटोनिक कंपाउंड्स हियर वी विल राइट टोटल थ्री टाइम्स सेम रिएक्शंस. बराबर. सपोज फर्स्ट वन इज फॉर्मल्डिहाइड. एंड वेन इट इज रिएक्टेड विथ सी एच थ्री एम जी सी एल. सो इन फर्स्ट स्टेप एच सी एच हियर दिस सी एच थ्री आर अल्काइल ग्रुप इज अटैच्ड एंड विथ ऑक्सीजन ओ एम जी सी एल इज अटैच्ड. एंड देन हाइड्रोलिसिस. एम जी ओ एच एक्स एंड देन हियर सी एच थ्री एंड हियर ओ एच. मीन्स एट दैट टाइम वन वाटर मॉलिक्यूल इज एडेड. ओके एंड कलेक्टिवली इट इज रिटन लाइक दिस सी एच थ्री सी एच टू ओ एच. सिंपल. एंड दिस वन इज इथेनॉल. ओके दिस वन इज इथेनॉल. नेक्स्ट इज एनी अदर एल्डिहाइड. सपोज प्रोपेनॉल एंड ग्रिगनार्ड रिएजेंट इज फिनाइल मैग्नेशियम क्लोराइड. तो प्रोडक्ट में क्या होगा? चलो प्रोपेनॉल का मतलब है सी एच थ्री सी एच टू एंड देन सी ओ एंड एच. अब ऊपर नीचे देख लो जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि फाइनल प्रोडक्ट क्या मिलेगी और वो हम डायरेक्ट लिखने को ट्राई करते हैं. तो चलिए उसके लिए ये सी ओ कंसिडर करो और ये सी सिक्स एच फाइव कंसिडर करो. क्यों? इससे ही पता चलेगा कि फर्स्ट स्टेप में क्या होगा. यहाँ पे ओ एम जी सी एल आएगा और यहाँ पे सी सिक्स एच फाइव आएगा. राइट. ओके इतना आएगा. और फिर जब हाइड्रोलिसिस करेंगे तब ये जो एम जी सी एल है वो निकल जाएगा और उसकी जगह पे एच आएगा. तो यहाँ पे एच आएगा. अब देख लो हमने क्या नहीं लिखा है. एट वन साइड हाइड्रोजन इज नॉट रिटन एंड एट अनदर साइड सी एच थ्री सी एच टू इज नॉट रिटन. और तो इसका नाम हुआ वन फिनाइल प्रोपेन वन ऑल. अगेन वन फिनाइल वन टू एंड थ्री कार्बन एटम्स एंड प्रोपेन वन ऑल. सिंपल. ओके एंड थर्ड वन इफ वी कंसिडर कीटोन फॉर दिस रिएक्शन. सो इन द कीटोन सी एच थ्री सी ओ सी एच थ्री एंड वेन इट रिएक्ट्स विथ सिंपल सी एच थ्री एम जी सी एल एम जी बी आर ले लेते हैं. चलो तो प्रोडक्ट में देख लो यहाँ पे ये जो सी ओ है उसकी जगह पे ओ एच आएगा आफ्टर हाइड्रोलिसिस. तो ऊपर आएगा ये एम जी के साथ जो अटैच है वो सी एच थ्री एंड एट बोथ ऑफ द साइड देर आर टू सी एच थ्री. ओके एंड दस वी आर गेटिंग टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल. टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल. सो नाउ रिमेंबर वेन एवर फॉर्मल्डिहाइड रिएक्ट्स विथ फर्स्ट ग्रिगनार्ड रिएजेंट एंड देन हाइड्रोलिसिस देन वी आर गेटिंग ऑलवेज प्राइमरी अल्कोहल.
any other aldehyde. Same reagent, then we are getting secondary alcohol. And if we are taking ketone for same reaction, then we are getting tertiary alcohol. So this is the summary of the mechanism which is done by us earlier. Okay, here. So this one is the summary. Remember this. Next. To chalo, first of all, if I say you are given neopentyl alcohol, then predict with same reaction which Grignard reagent and the carbonyl compound should be taken to get this neopentyl alcohol. Yes, try. Okay, so here is neopentyl alcohol. And the structure of neopentyl alcohol is CH3, CH2OH. And remember, CH2OH means primary alcohol. And for primary alcohol, at that time, carbonyl compound must be formaldehyde. So here it is formaldehyde, HCHO. Aur yaad karo uska mechanism. To CO yahan pe aayega, dono jagah pe H aayega. ओके तो वो एच यहां ये रहे और सीओ भी ये रहा तो रिमेनिंग पार्ट विल बी फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यहां पे आएगा CH3 और MgCl और MgX चलो जनरल लिख दिया हमने MgX ओके सो दिस इज टर्शियरी ब्यूटाइल मैग्नीशियम हैलाइड Okay, and the formaldehyde. So this product is obtained. So ये एक reverse question था मतलब यहाँ पे reagent hydrolysis और Grignard reagent हमने लिख दिया है तो फिर आपको दोनों पूछे हैं यहाँ पे कई कबार क्या करेंगे ये एक दे देंगे और दूसरा final दे देंगे तो फिर Grignard reagent पूछेंगे या तो फिर carbonyl compound पूछेंगे और Grignard reagent और neopentyl मतलब alcohol दे देंगे कौन सा मिल रहा है okay चलो तो ये हुई preparation किसकी अल्कोहल की तो आई थिंक सब प्रिपरेशंस कंप्लीट हो गई है ओके चलो तो फिर अब केमिकल रिएक्शन देखते हैं इसकी फर्स्ट रिएक्शन इज रिएक्शन विथ एक्टिव मेटल ओके एंड द रिएक्शन इज एनी अल्कोहल इज टेकन Suppose sodium is reacted. So at first we are getting sodium alkoxide and then hydrogen gas is evolved. This is sodium alkoxide. If methanol, then sodium methoxide, ethanol, sodium ethoxide, propanol, sodium propoxide, etc. Okay, next. Suppose we are taking CH3OH and Na. Then we are getting CH3ONa and half H2. And sometimes you may be asked the numerical based on the stoichiometry means first chapter of 11th standard. See the question. If 6.4 gram of methanol is reacted with 4.6 gram of sodium, how much volume of H2? At STP would be
evolved. जस्ट ट्राई. ओके, तो अब देख लो सॉल्व कैसे होगा. रिएक्शन आपके सामने ही है, सी एच थ्री ओ एच एन ए गिव्स सी एच थ्री ओ एन ए एंड हाफ एच टू. सो द रिलेशन इज वन मोल देन वी आर गेटिंग 0.5 मोल. ओके, नाउ मास ऑफ मिथेनॉल इज गिवन टू यू. मॉलिक्यूलर मास ऑफ मिथेनॉल इज 32. सो 6.4 डिवाइडेड बाय 32 इज 0.2. सोडियम उसका एटॉमिक मास 23. सो हियर ऑल्सो 0.2 मोल्स. देन वी आर गेटिंग हाफ ऑफ 0.2 एंड इट इज 1 का हाफ 0.5, तो 0.2 का हाफ 0.1. सो 0.1 मोल इज ऑब्टेन्ड. तो 1 मोल का वॉल्यूम क्या है एट एस टी पी? इट इज 22.4 लीटर. तो यहाँ पे 0.1 मोल है, तो मीन्स 1 पॉइंट शिफ्ट करो सिर्फ 2.24 लीटर, या तो फिर 2240 एम एल. डिपेंड्स व्हाट ऑप्शंस इज गिवन टू यू. ओके, दोनों सही होंगे ना. चलो और अब थोड़ा टिपिकल लेते हैं रिएक्शन. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मच वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस वुड बी इवॉल्व्ड व्हेन 5 मोल्स ऑफ टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल are reacted with 3 moles of aluminium. Volume of H2 gas at STP. Okay, तो अब देखो इस क्वेश्चन में tertiary butyl alcohol is given to you, means CH3 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 OH, and when it reacts with aluminium, so we are getting 3 aluminium. Okay, and hydrogen gas is evolved 1/2. अब देखो ये 3 लिखा है तो फिर ये 3 टाइम्स तो होगा, तो 3 हाइड्रोजन है तो यहां पे हमें लिखना पड़ेगा 3/2. तो रिलेशन क्या हुआ, 3 मोल्स के सामने 1 मोल. ओके, 3 मोल्स के सामने 1 मोल. ओके, 3 मोल्स के सामने 1 मोल. और यहां पे आपको दिया क्या है, गिवन. चलो अलग से लिख देते हैं, गिवन फाइव मोल्स एंड 3 मोल्स. तो 3 के सामने 1, तो ये 5 यहां पे ले लो तो कितना होगा, इट इज 5/3. 5/3 मीन्स 1.67, एंड गिवन अमाउंट इज 3. That means this 5 will be completely used over. इतना तो पता चल गया कि ये अल्कोहल ये यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट है. फिर से समझाता हूँ, रिलेशन मिला हमें 3 के सामने 1, तो 5 के सामने कितना, ये जो 5 आपको गिवन दिया है ना क्वेश्चन में, ये हमने डायरेक्ट ले लिए. तो उसके सामने एल्यूमिनियम के कितने मोल्स चाहिए, तो 1.67, but given amount is 3. That means 5 moles will be completely used. So it's a limiting reagent. Over. तो अब question क्या बनेगा? ये है अपना tertiary butyl alcohol. कितने? 3 moles. तो सामने कितना मिलेगा? 3/2H2. तो 3 moles के सामने 3/2H2. 3/2 moles मिलेंगे. तो 5 moles के सामने कितने? 3 के सामने 3/2, तो 5 के सामने 5/2
moles. 5 by 2 into 2, 2.4 liter at STP. Simple. Okay, 11.2 multiplied by 5. 2 5s are 10, 156 liter at STP. ओके तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस इसके ऊपर बन पाएंगे. लॉजिक यही है कि फिर हाइड्रोजन गैस यहां पे इवॉल्व होगा. दैट्स इट. ओके तो ये हुई अपनी फर्स्ट प्रिपरेशन. सेकंड प्रिपरेशन इज फ्रॉम ल्यूकास टेस्ट. चलो ल्यूकास टेस्ट में क्या था. व्हेन एवर एनी अल्कोहल is reacted with concentrated HCl in presence of ZnCl2. So at that time, what happens? See, so at that time, RCl is obtained and H2O is obtained. So this is the basic reaction, but this reaction will give the fastest by the tertiary alcohol. Reaction is very fast. For secondary alcohol, this reaction is slow, and for primary alcohol, reaction is difficult. Okay, this is the speed of reaction. And what about the observation? So whenever you are given tertiary alcohol and this reaction is occurred, so at that time we are getting the oily drops in the reaction mixture. That means you are given tertiary alcohol. If milky solution is obtained, then secondary alcohol. And if no reaction is occurred, because reaction is difficult, that's why. So at that time, primary alcohol will be given to you. So this one is the detection test for the type of alcohol, which type of alcohol is given to you. Okay, for that, this Lucas test is done. Okay, and one reaction is over. Okay, chalo, I think no doubt will be there. Okay, next reaction is reaction with PCl3. So at that time, when any alcohol is taken and it is reacted with PCl3 in presence of red phosphorus. तो जब भी आपको ये PCl3 और red phosphorus देखे तब क्या होगा, इसके 3 moles react होंगे. Means 3 hydrogen will be removed. And 3 hydrogen atoms, 1 phosphorus and 3 oxygen atoms. We are getting H3PO3. And in place of OH, we are getting Cl. How many? 3. See, PCl3 is given to you. Okay? So, chalo, suppose aapko kuch typical dete. Yaad karo iska naam. 1 phenyl, 1 ethanol. And suppose PBr3 is given to you. So at that time, 3 moles, OH ke jagah pe Br. Okay, or H3PO3 will be as a side product. Over. नाम क्या होगा? 1 ब्रोमो 1 फिनाइल इथेन. ओके 1 ब्रोमो 1 फिनाइल इथेन ओवर. सो दिस इज द रिएक्शन विथ पी फॉस्फोरस ट्राइहैलाइड. फर्स्ट सीएल इज टेकन एंड सेकेंड टाइम बीआर इज टेकन. ओके इजी. एंड देन लास्ट रिएक्शन ऑफ टुडे सेशन इज द डिहाइड्रेशन of alcohol.
dehydration of alcohol. See, for that, first of all, concentrated H2SO4 or 85% H3PO4 phosphoric acid are used. Both of the compounds are dehydrating agent because they have greater attraction towards what molecule? Dehydrating agent. Okay, so whenever any alcohol is taken, then if it is dehydrated, then we are getting the alkene product. Dehydration, and here is alcohol. Chalo, direct typical example lete hain. To samne, suppose हम लेते हैं concentrated H2SO4 and delta, तो होगा क्या? OH concentrate, जहां पे ज्यादा carbon atoms होंगे वहां से H जाएगा, so we are getting butuene. Okay, second example, suppose we are taking चलो टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल, हियर वी आर टेकिंग टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल, एन 85% H3PO4 हमने लिया, तो फिर प्रोडक्ट क्या मिलेगी? यहां से OH और ये वाला H जाएगा. ओके, एंड द प्रोडक्ट विल बी, this is 2-methylpropene. It is 2-methylpropene and its common name is isobutylene. Remember this. This one is isobutylene. This one is tertiary butyl alcohol. Okay. So thus, now today's lecture, today's session is over.